गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर ऑफ यूनिट टेक्नोलॉजी, एंजल और डेविल। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी, सो ओपन SR19। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सम डिफिकल्ट वर्ड्स विच आर नोन एज वोकैबुलरी वर्ड्स, सो ओपन SR20। द फर्स्ट वर्ड इज इम्प्रूव, मीन्स बेहतर, मेक और बिकम बेटर। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स। द सेकेंड वर्ड इज चैलेंजिंग, मीन्स चुनौती भरा, डिमांडिंग। द क्लास प्रोजेक्ट गिवन टू अस वॉज चैलेंजिंग। द थर्ड वर्ड इज अफोर्डेबल, मीन्स सस्ता, इनएक्सपेंसिव। द क्लोथ्स शॉप इन माई टाउन इन क्वाइट अफोर्डेबल। द लास्ट वर्ड इज मैन्योर, मीन्स खाद, एनिमल डंग यूज फॉर मेकिंग द सॉइल गुड फॉर क्रॉप्स। Cow dung is used as manure in the villages. Now we are going to read our chapter, so open SR19. A great technology is one that helps improve the life of a common person. Mobile phones and the internet are the greatest inventions of all time. They are called so because they improve the lives of common people. एक महान टेक्नोलॉजी वो है जो एक आम इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाती है। मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट अभी तक की सबसे बड़ी खोज है। इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आम इंसान की लाइफ को बेहतर बनाती है। अनटिल अप्रैल 2018 इलेक्ट्रिसिटी हैड नॉट रीच्ड एवरी विलेज ऑफ इंडिया, सो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू टीवी और रेडियो वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क। अप्रैल 2018 तक भारत के हर गाँव तक बिजली नहीं पहुँची थी, इसलिए टीवी या रेडियो से इन्फॉर्मेशन शेयर करना मुश्किल काम था। Connecting people in villages with the world was a challenging task. The problem was solved when the affordable mobile phones began selling in the market. गांव में लोगों को दुनिया के साथ जोड़ना एक चुनौती भरा काम था। ये तब पॉसिबल हो गया जब मार्केट में सस्ते मोबाइल फोन बिकने शुरू हो गए। Soon programs like mobile kunji, mobile key and kilkari, a child's wheel were launched in villages. Both the programs are launched to ensure good health of pregnant women and their newborns. Women in villages are provided with doctor's advice through phones. These programs have shown good results. The number of deaths among women and children have come down in different states. जल्द ही मोबाइल कुंजी और किलकारी प्रोग्राम्स विलेजेस में लॉन्च हो गए थे। दोनों प्रोग्राम्स प्रेग्नेंट वीमेन और उनके इन्फेंट मीन्स बेबीज की अच्छी सेहत को बनाए रखने के लिए शुरू हुए हैं। डॉक्टर्स गांव में औरतों को फोन्स के जरिए ही सलाह देते हैं। ये प्रोग्राम्स अच्छे रिजल्ट्स दे चुके हैं। अलग अलग स्टेट्स में औरतों और बच्चों के नंबर ऑफ डेथ कम कर चुके हैं। द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग मोबाइल फोन बेस्ड प्रोग्राम्स टू हेल्प द फार्मर्स। वन सच प्रोग्राम इज़ द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, मीन्स ईनैप। द ईनैप इज़ एन ऑनलाइन मार्केट। फार्मर्स गेट देयर क्रॉप्स टू द नियर बाय मार्केट एंड शो इट टू बायर्स। सरकार किसानों की मदद के लिए मोबाइल फोन बेस्ड प्रोग्राम बना रही है। उनमें से एक प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, जिसे हम ईनैप भी कहते हैं। ईनैप एक ऑनलाइन मार्केट है। फार्मर्स की क्रॉप्स मार्केट में अवेलेबल होती है, जहाँ बायर्स को इन्हें शो करते हैं। दीज बायर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मार्केट, बट दे कैन सी द क्रॉप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री थ्रू द इंटरनेट। ये बायर्स मार्केट में नहीं होते, लेकिन ये इंटरनेट के जरिए इन फसलों को देश के किसी भी हिस्से में देख सकते हैं। Whosoever gives the best price, farmers sell their crop to them. This way, their crop is visible to more number of people. जो भी उन्हें सबसे अच्छी कीमत देता है, किसान उन्हें अपनी फसल बेचते हैं। इस तरह उनकी फसल ज़्यादा संख्या में लोग देखते हैं। मीन्स ऑनलाइन के कारण उनके लिए पॉसिबल हो जाता है न्यू बायर्स मिलना, जो कि ट्रेडिशनल या फिजिकल मार्केट में पॉसिबल नहीं है। द गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च्ड एम किसान सर्विस इन 2013 टू हेल्प द फार्मर्स। थ्रू दिस सर्विस फार्मर्स कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट बेस्ट मैन्योर एंड सीड्स अवेलेबल। द इंफॉर्मेशन इज सेंड थ्रू एन SMS इन देयर लैंग्वेज। 2013 में गवर्नमेंट ने किसानों की हेल्प के लिए एम किसान सर्विस भी स्टार्ट की थी। इस सर्विस से किसान अच्छी से अच्छी खाद व बीजों की इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। यह इंफॉर्मेशन उन्हें उनकी भाषा में SMS के जरिए भेजी जाती है। ऑल विलेजेस इन इंडिया आर नॉट येट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, बट कंपनीज लाइक गूगल हैव बीन ट्राइंग टू डू सो थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स।
Internet Sathi is one such program by Google, and Internet Sathi is a woman who is trained to use the internet. इंडिया में अभी तक सारे गांव इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हैं, परंतु गूगल कंपनी अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। गूगल द्वारा इंटरनेट साथी एक इसी तरह का प्रोग्राम है। इंटरनेट साथी एक औरत है जो इंटरनेट चलाने में ट्रेंड है। शी कैरीज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स ऑन बाइसिकल्स टू डिफरेंट विलेजेस। व्हेन शी गोज टू विलेज शी मीट्स अदर वीमेन देयर। शी टेल्स देम व्हाट ऑल कैन बी डन ऑन द इंटरनेट। वह साइकिल पर अलग अलग गांव में स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स को ले जाती है। जब वह गांव में जाती है तो अलग अलग औरतों से वहां मिलती है। वह उन्हें इंटरनेट पर क्या क्या कर सकते हैं सब बताती है। सो फार 1 लाख विलेजेस आर कवर्ड अंडर दिस प्रोग्राम। मैनी प्रोग्राम्स लाइक दीज आर मेकिंग द लाइव्स ऑफ पीपल इन विलेजेस बेटर। इस प्रोग्राम से 1 लाख विलेजेस कवर हुए हैं। इस तरह के कई प्रोग्राम्स गांव के लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। होप यू एंजॉयड आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।